आ जाओ भी दोस्तों, चलो घुमाते हैं आज आपको अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। और जैसे अपने यहाँ कैनॉट प्लेस है ना, दिल्ली का दिल, ऐसी वॉशिंगटन डीसी का जो दिल है वो ये है। और जिस तरह अपने यहाँ पर खाने पीने की दुकानें बस स्टॉप के सामने या रेलवे स्टेशन के सामने या किसी भी ऐसी जगह पर होती हैं जहाँ पर बहुत टूरिस्ट आते हैं, तो उसी तरीके से ये खाने पीने की दुकानें हैं। खाने की दुकानें पीने की नहीं, यहाँ पर कोई पीने का चक्कर नहीं है, खाने के लिए मिल सकता है आपको, पीने के लिए नहीं। लेकिन बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर खाने और पीने दोनों का ही बंदोबस्त होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको केवल खाने के लिए मिल सकता है, पीने के लिए पानी या सोडा या पेप्सी या जो भी है वो सब मिल जाएगा आपको। और जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो उसका नाम है कैपिटल हिल बिल्डिंग। और आज क्योंकि संडे था वो बंद थी तो मैं अंदर जा नहीं पाया, लेकिन कभी भविष्य में ज़रूर से मैं आपको बताऊंगा कि वो बिल्डिंग क्या है, उसकी क्या इतिहास है। अब ये देख लो, अमेरिकन आइसक्रीम का ठेला है जो लगा हुआ है। आइसक्रीम होगी, जूस होंगे, जैसे अपना मैंगो जूस मिलता है ना बाज़ार में गर्मियों में, उसी प्रकार यहाँ पर तो पता नहीं किस किस चीज़ का मिलता है जूस, तो वो जूस मिल रहे हैं, कॉफ़ी मिल रही हैं। और बाकी जो मेन चीज़ है वो न्यूयॉर्क कॉफ़ी बड़ी मशहूर है इनकी दुकान की, यहाँ की नहीं, वॉशिंगटन की। और वो सामने जो आपको जलेबी की तरह की संरचना दिखाई दे रही है, शायद कभी कोई अमेरिकन गया हो इंडिया ना, उसने देखा होगा वहाँ पर जलेबी, फिर उसने अमेरिकन जलेबी बनाई है। इसको बोलते हैं प्रेटजल यहाँ पर, और मीठी भी होती है, नमकीन भी होती है, और मीट भी होता है इसमें। और वेजिटेरियन एग रोल दिख रहे होंगे आपको, ज़माना बदल गया यार दोस्त, अब अंडे भी वेजिटेरियन होने लग गए। देखो दुनिया कितनी तरक्की कर रही है। और ये एक और दुकान है, साउथ फिले हॉट डॉग मिल रहा है, कुत्ते से कोई ताल्लुक नहीं, खाने की डिश है, उसका नाम है हॉट डॉग। अगर चाइना में मिल रहा हो हॉट डॉग तो हो सकता है कुत्ते से कुछ रिलेटेड हो, लेकिन यहाँ पर अमेरिका में खाली उसका एक नाम है हॉट डॉग, मीट नहीं बताएं किसका मिलता है उसमें, गुस्सा हो जाओगे आप लोग वरना। और अमेरिकन खानों के बारे में पूछना हो मेरे से तो मैं एक पोस्ट लगाऊँ कम्युनिटी में, उसमें जाके पूछ लेना मेरे से, अगले संडे को जवाब दूंगा। हलाल का मीट मिल रहा है, सब कुछ मिलता है यार यहाँ पर, हर प्रकार का खाना, विभिन्न दुनिया के जो देश होते हैं उनका खाना मिलता है। और टाको मिल रहे हैं, टाको क्या होते हैं या बरीटो क्या होते हैं लिखा हुआ नीचे, वो बताऊंगा जब सवाल पूछोगे तब। दो चार नाम बता रहा हूँ मैक्सिकन खानों के, टाकोस, बरीटो, टकीटोस, चलूपा, संडे को पूछना, सब बताऊंगा तुम्हारे, कसम बहुत मज़ा आएगा जान के क्या खाने होते हैं। और जो ये ठेले वाले खड़े होंगे ना भाई, लोगों का इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे अकाउंट है, कहते हैं फॉलो करो। अभी देखना आप, अब यहाँ देख लो, $5 का भी खाना है, $7.99 का है और $9.99 का भी है $10 का, तो उससे आप अंदाज़ लगा लो कि महंगा सस्ता कितना होता है। और ये एक और दुकान आ गई है, ड्रिंक फ्री दे रहे हैं, इसका मतलब है कि जो खाना होगा ना उसी में जेब काट ले रहे होंगे तबीयत से। कैलिफोर्निया टाको की दुकान आ गई, देख लो, मैक्सिकन फूड है टाको। और ये फ्राइज़ मिल रही हैं, चिकन टेंडर हैं और बर्गर मिल रहे हैं। और बर्गर जो है वो बहुत ही पॉपुलर या कॉमन खाना है, और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैटरिंग का काम भी करते हैं, हलवाई हैं, मतलब जैसे अपने होते हैं हलवाई, या जो शादी ब्याह में खाने का ठेका लेते हैं, बहुत सारे लोग वो काम भी करते हैं। और ये है आपके स्टफी, स्टफी मीन्स ये भरी हुई चीज़ें बेचते हैं, भरे हुए मतलब जैसे भरवा बैगन हो गए, भरवा पराठे हो गए, गोभी के पराठे, आलू के पराठे, इस टाइप की चीज़ बेचते हैं ये लोग। और वो देख लो ऊपर लिखा हुआ था, उस कोने में देखना भी, फॉलो अस ऑन ट्विटर, वो कोने में लिखा हुआ राइट साइड पे, $8.99 का बेच रहे हैं कॉम्बो। और कॉम्बो क्या होता है किसी को नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा ज़रूर से, मैंने जैसे आपसे, मैं जैसे कह रहा हूँ। एक तरीके से आप इसको ये भी कह सकते हो कि जैसे अपने यहाँ कहीं पर भी टूरिस्ट प्लेस होता है, बहुत टूरिस्ट आते हैं, वहाँ चाट पकौड़ी के ठेले लगे होते हैं, किस्म किस्म की चीज़ें मिल रही होती हैं, तो यही है, अलग अलग खाने हैं, यही यहाँ की चाट पकौड़ी है, जो कुछ भी समझ लो आप, डिफरेंट किस्म के खाने हैं और चाट पकौड़ियाँ भी इसमें। फ्राइड चिकन है, वो भी अलग अलग प्रकार का है, कोई बारबेक्यू है, कोई बफलो है, कोई चिपोटले है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं पूछ लेना कमेंट में। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ इसलिए कि आपने हो सकता है बहुत सारे ये नाम सुने होंगे, चिपोटले, बारबेक्यू, बफलो, सिराचा, ये सारे नाम आपको पता नहीं होगा ये क्या होते हैं, तो मेरे से पूछना नेक्स्ट सैटरडे,
या संडे को मैं लाइव आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा वो सारी चीज़ें। और जब कभी आपका वाशिंगटन आना हो तो आप इस एरिया में ज़रूर आओगे, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है घूमने का, जहाँ पर बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, कैपिटल हिल बिल्डिंग है और बहुत सारी इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स जो हैं वाशिंगटन की वो यहाँ पर हैं। तो खाना खाने के लिए आपको यहीं आना पड़ेगा इसी जगह पर, क्योंकि यहाँ पर आपको आम तरीके के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं या खाने की दुकानें वो कहीं दिखाई नहीं देंगी। बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की अगर कहीं कोई होंगे रेस्टोरेंट तो वो होंगे, इसलिए क्या कहते हैं यहीं खाना खाने आना होगा आपको। खाना बढ़िया मिलता है, एकदम टॉप क्लास, खूब घूमना मुआयना करना और हो सकता है कहीं इंडियन खाना भी मिल जाए आपको किसी दिन। लेकिन मैंने आज बहुत ढूंढा लेकिन मेरे को मिला नहीं, लेकिन हाँ और मिडिल ईस्टर्न खाना था मैंने देखा यहाँ पर मिल रहा था, लेकिन मैंने मैक्सिकन खाना खाया क्योंकि मैं उसका बहुत ही शादाई हूँ। अब वो देख लो ट्विटर पे कह रहे हैं फॉलो कर लो, ये ठेले हैं जैसे अपने चार पहिए ठेले मिलता ना खाना, तो ये भी वही हैं चार पहिए वाले ठेले, बस अमेरिकन हैं तो बहुत ही हाई फाई होते हैं सब। इंटरनेट की दुनिया में सबकी घुसपैठ होती है इनकी। और अगर आप अमेरिका में रहते हो तो मेरा वीडियो पूरा देखना, वीडियो के एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा आपको कि कभी वाशिंगटन डीसी अगर आपको आना हो तो आपको क्या करना चाहिए घूमने के लिए, बहुत फ़ायदा होगा आपका। गाड़ी देखो कितनी शानदार पार्क करी भाई ने, गेरो की दुकान है, गेरो गेरो क्या होता है मैंने बताया, सब चीज़ें बताऊंगा बाद में, और मंच बॉक्स क्या होता है सब क्या चीज़ें होती हैं कमेंट में पूछना मेरे से। नेक्स्ट सैटरडे या संडे को, ये वाले को नहीं कल वाले को, तब बताऊँगा। दाम देख लो आप, पढ़ लो क्या चीज़ है, बेकन क्या होता है, चिकन फिले क्या होता है, स्टेक फिले क्या होता है, चिकन गेरो क्या होता है, फ्लैफल रैप क्या होता है, ये सब बताऊँगा हर एक चीज़, चिंता मत करो, चाचा है तुम्हारे यार सब बताएंगे। बस यही है कि कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और वो जो घंटी होती है ना उसको ज़रूर से दबाओ ताकि मेरा नया वीडियो जो है सबसे पहले देख लो। ये विंग्स हैं, नगेट्स हैं, चिकन सैंडविच है, चीज़ बर्गर है, जंबो हॉट डॉग है, जंबो हॉट डॉग भी मिलता है बहुत बड़ा होता है खाने में, देख लो सब चीज़ें, पढ़ लो यहाँ पर तुम लोग, और फिर मुझसे पूछना बताऊँगा, मज़ा आएगा, पूरी जानकारी से भरपूर होगा जो अगला मेरा लाइव सेशन होगा। सही बता रहा हूँ। और वाशिंगटन डीसी अगर कभी आना हुआ आपका तो खाना ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे, यहीं पे आना और यहीं पे खाना, सॉफ्टी मिल रही देख लो, सॉफ्टी अपने यहाँ सॉफ्टी बोलते हैं ना उसको, और देख लो ये एक ही दुकान में सब कुछ मिल जा रहा है यहाँ पे, हर एक चीज़, आइसक्रीम, पिज्ज़ा, हॉट डॉग, सॉसेज, सलामी, बेकन, बर्गर, सब कुछ हाजिर है एक ही दुकान में। तो यहाँ पर आपको सब किस्म किस्म खाना मिलेगा, मज़ा आएगा आपको खाना खाने में। घूमना पहले, रिसर्च करना पूरी, पूरा एरिया घूमना, ऐसे होंगी कोई लगभग मेरे ख्याल से 40 करीब दुकानें होंगी यहाँ पर, तो रिसर्च कर लेना पहले पूरी, उसके बाद खाना तब ज़रा अच्छा लगेगा। नक्शेबाजी देख लो, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कह रहे हैं फॉलो करने के लिए, एक ही है यार जलवायु यहाँ पर, वो दोनों तरफ दुकानें हैं, इधर भी हैं और उस साइड में भी दुकानें हैं, दोनों साइड में हैं दुकानें, पता नहीं कहाँ कहाँ खाना मिलता है। अब मैंने बता दिया पहले तुम्हें, सस्ता खाना जो है वो $3 की फ्राई है सस्ती, और $5 की बड़ी फ्राई है, उसके बाद फिर जो हाईएस्ट जाता है वो 999 तक कबोब मिल रहे हैं, कबोब, कबोब जो है वो कबाब को बिगाड़ के अमेरिका में जो वर्ड बना दिया वो है कबोब, और इंग्लैंड में जो है उसको बोलते हैं किबाब, और अपने यहाँ इंडिया में, पाकिस्तान में, सब जगह बोलते हैं कबाब। तो कबोब, किबाब और कबाब वो सब एक ही चीज़ है, सब के से शुरू हो रहे हैं और सब में मीट होता है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप अमेरिका में रहते हो ना और वाशिंगटन आने का प्लान है तो पहले अच्छी तरीके से प्लान कर लेना कि किन किन जगहों पर आपको जाना है, और फिर वहीं पर अपनी गाड़ी खड़ी करना और देखना, और फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर चले जाना, वरना चलते चलते मर जाओगे, पैर टूट जाएंगे और फिर पूरा घूम भी नहीं पाओगे और कहोगे चलो भैया वापस चलने हम तो थक गए। तो चलो फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद किसी और वीडियो में, और फिर वही बात, जाने से पहले मेरे यार
शब खैर, बाय।